कि जिस दिन आप वोट दे सकें, आपने इस वोट को इस्तेमाल किया है, आपने कोई राइट्स नहीं किए, कोई बाहर इंतशाल नहीं किया, फैलाया, तो आप अब इसी तरह अपने वोट का तहफ़ करेंगे इंशाल्लाह। सारे कैंडिडेट्स जिनके हाथ में सारा फॉर्म 45 है, उनके पास सारी फॉर्म्स हैं, कौन सा कोर्ट होगा जो इस पे इंक्वायरी होगा कि ये फॉर्म्स जाली हैं जबकि हुकूमत के उस पे स्टैंप लगे हुए हैं। और अब वो ये भी सारे कैंडिडेट्स को बता दें कि अपनी फॉर्म 45 बचा के कहीं छुपा के रखें, क्योंकि अब जो आपके ऊपर रेड होंगे वो फॉर्म 45 चोरी करने के लिए होंगे ताकि वो एविडेंस ख़त्म कर दें। ये तरीका अब नहीं चलेगा। जो एक सैलाब आया, जो सुनामी इमरान खान कहते होते हैं, इंसाना लोगों की आई है, लोगों ने अपने हकूक के लिए खड़े हो, अब इसको आप रोक नहीं सकेंगे जितनी मर्जी धांधली कर दें इंशाल्लाह। अभी जो है वो हमने देखा कि आजाद उम्मीदवार जो थे उनकी नशिस्तें सबसे ज्यादा रही, बाकी जमातें रही उनकी नशिस्तें कम है, तो यकीन तौर के ऊपर अब जो आप लोगों के मुखालिफ पार्टीज है वो एक मखलूत गवर्नमेंट जो है वो बनाने की कोशिश करेंगी। आप क्या समझती हैं कि ये जो मखलूत गवर्नमेंट है वो कितना चल सकती है, कितना असर चल सकती है? और दूसरा मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि पाकिस्तान की तमाम के तमाम जितने भी सियासतदान हैं, ये जितने भी तजिया निगार हैं, इस बात पर मुतफिक हैं कि मुआशी इस्तेहकाम जो है वो सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी से ही आ सकता है, तो क्या आप समझती हैं कि अब वो वक्त है कि पीटीआई के समेत तमाम सियासी जमातें एक टेबल के ऊपर बैठ कर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के लिए काम करें? देखें, इमरान खान तो हमेशा से कह रहे हैं, कौन सा दिन है जिस दिन रोज़ इमरान खान ने ये नहीं कहा कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी से इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आएगी? कब उन्होंने ये नहीं कहा? अब ये है कि पाकिस्तान ने पिछले 2 साल में देख लिया है कि जब पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होती है तो हमारी अपने घर की जो इकोनॉमिक्स हैं वो भी तबाह हो जाएंगी। अब ये है कि पहले, सबसे पहले तो ये पहचानें कि पाकिस्तान ने क्या फैसला किया। आप भूल जाएं पार्टियों का, आप भूल जाएं पीटीआई, यहाँ तो पीटीआई कोई नहीं है, कोई सिंबल नहीं है, यहाँ तो सब आज़ाद हैं। पहले आप ये समझ लें कि ये वोट किसके लिए, किसने डाला है। आपने वोट की हिफाजत करनी है, ये वोट लोगों की कीमती इमानत है। पार्टियां आप सारे बैठ जाएं जी, आपस में मिलकर बैठें और मुल्क चलाएं, आप मुझे तो ये बताएं कि मेरा वोट किधर है। पहले जब मेरा वोट का फैसला कह ले, मेरे वोट का फैसला हो, फिर किसी को बैठना चाहिए। जिन्होंने भी हमारा वोट छुपाए, चोरी किया या बदला है, पहले वो हमारे वोट का हिसाब दें। हम जिन्होंने वोट डाला है हमारे ऊपर, हमारा फैसला ये थोड़े से लोग बैठ के करेंगे? नहीं, लोगों ने फैसला करना है अपने मुस्तकबिल के बारे में। मैडम, आवाम ने रजीम चेंज के जो मास्टरमाइंड थे उनको रिजेक्ट कर दिया है, आप उन रजीम चेंज के मास्टरमाइंड्स को क्या पैगाम देंगी? और बादियो नज़र में देखा जाए तो जो दानिया 9 मई है उसको लोगों ने मुस्तरद किया है। देखिए, 8 फरवरी पाकिस्तान की बहुत तारीखी दिन है। मेरे ख्याल में पूरी दुनिया को समझ आ गई है कि पाकिस्तानियों ने क्या फैसला किया है। आप जितना मर्जी वोट चोरी कर लें, जिन्होंने डाले हैं उनको भी पता है। अब आप अगर एक हलके के अंदर 102% वोट पड़ जाएं, ज़रा मुझे ये समझा दें, 102, और ये फॉर्म के ऊपर लिखा हुआ है 102%। अब कई हलकों में पड़े 120%। अब पहले ये मैथ्स हमें हिसाब सिखा दें, ये मजाक ना बनाएं। ये पाकिस्तानियों ने जो कहना है, पाकिस्तानियों ने अपना आवाज़ उठा ली और बड़ी ज़बरदस्त तरीके से उठाई है और सारी दुनिया में हमारा नाम रोशन किया है। मुहतरमा, ये कहिएगा कि क्या नए चेयरमैन से आपकी बातचीत हुई है, मौजूदा सूरत हाल से किस तरह निकलना है और आइंदा का लाहौर कुछ तय हुआ है? लेकिन पार्टी जो है वो उस वो अपना वो महकमे आके वो कोई अपनी बताएंगे कल, वो आप सारों को इस वक्त नहीं बता सकते, कल तक बता देंगे। लेकिन इस वक्त हमने तो जाके अपने वोट ढूंढना है कि किधर गुम गया है। मैं पिछले 15 मिनट से तो आपको कर रही हूँ आपको तब से यही तो कर रही हूँ, इश्तियाल ही तो डाल रही हूँ। अपना वोट मांगना इश्तियाल है, एंटी स्टेट है। लेकिन अब ये 9 मई वाला जो आपने ड्रामा किया था ना, इश्तियाल दिलवाया, ये वो बात नहीं कर रही, वो ये वोट की बात कर रही है, हमारे हक की बात कर रही है, तमाम के हक की बात कर रही है। वो ये बता रही है कि इमरान खान क्या चाहता, तो उन्होंने हमें तैयार किया है,
आप ये बात ना कीजिए इश्तियाल की, उन्होंने तरीके से हमें पढ़े लिखे लोगों को कहा कि किस तरीके से हमने अपने हक का वापस लेना है, हमें अपनी चीजें वापस लेनी है। आगे आगे का लायहा अमल है क्या? सिंपल, हमारा वोट वापस करें, बस वापस करें हमारा वोट, जिधर भी है वापस करें। और ये मुझे कोई बताए, मैं एक एक सीट मुझे अभी पहले ये बता दें, एक तो हमारा वोट है जो हमें नहीं, हमें लोकेट करना है जो कहीं गायब हो गया है। दूसरा ये है कि मुझे फैसलाबाद, मैं मान ही नहीं सकती कि फैसलाबाद ने 1,00,000 वोट राणा सनाउल्ला को डाला हो, वो भी नहीं मैं मानती। मैं इनकार कर रही हूँ, मैं एज ए पाकिस्तानी इनकार कर रही हूँ कि फैसलाबाद बड़े बाइज्जत लोग हैं, ये 1,00,000 वोट पहले निकाल के देखें इस डब्बे में है क्या। मैं मानती नहीं कि 1,00,000 वोट है। असैसिनेशन की गई, खान साहब के ऊपर 3 सजाएं दी गई, इज्जत वाला मामला, आपको भी बहुत ज्यादा प्रेशराइज किया गया, आपके बारे में कहा गया कि आप पार्टी हाईजैक करना चाहती हैं, आप चेयरमैन बनना चाहती हैं, ये सारे मुश्किलात में से थोड़ा सा सबक कर दें कि 9 मई से लेकर अब तक किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा और इमरान खान कितने पुरअज़्म नजर आए। देखिए पुरअज़्म आप देख लें, ये सारे खड़े हैं, लेडीज भी खड़ी हैं, आप पीछे जाके अंदर देख लें। देखिए जितना आप जुल्म करेंगे ना, लोग जुल्म का मुकाबला पाकिस्तानियों ने ये दिखा दिया है कि हम जुल्म के नीचे दबेंगे नहीं। इमरान खान ने आखिरी पैगाम ये भेजा था कि आप फैसला करो 8 तारीख को, आपने जुल्म के निज़ाम के नीचे दब के रहना है या जो एलीट, जो माफिया है, जो जुल्म करने वाले हैं उनको क्या कहते हैं, लॉ के नीचे या इंसाफ के नीचे लेकर आना है। ये 8 तारीख को फैसला हो गया है, आप इसको आप जो मर्जी कर लें, जितनी मर्जी आप डिस्कशंस कर लें, आप इसको तब्दील नहीं कर सकते। वो देखें, ये देखें मेरी बात सुने, अब लोगों ने अपने जमीर पे भी चलना है, डंडे भी खाकर फैसला करना है। जिन्होंने टिकट लिए हैं, जिन लोगों के टिकट ये कैंडिडेट्स ने, इनको जो टिकट इमानत में मिली है इमरान खान से, इमरान खान ने इनको इमानत में ये टिकट दिया है, और जिन लोगों ने लाके इनको वोट डाले, इन सबको पता है कि ये होना था, कि इनके ऊपर प्रेशर आना था। अब ये इमानत है इनके पास, इमरान खान की नहीं है, उन लोगों ने जिन्होंने इनको वोट डाला है, 1,00,000 वोट डाला है, ये उनकी इमानत इनके पास है। वो लोग खुद ही इनका हिसाब ले लेंगे अगर किसी ने इस्तेकाम पार्टी में गया, लोगों ने अपना वोट वापस उसे छीन लेना है। अच्छा मैडम ये बता दें, इलेक्शन हो चुका है, नतज काफ़ी हद तक जो है वो आ चुके हैं, आप ये बता दें कि इलेक्शन के नतज आप लोग मान रहे हैं, तस्लीम करेंगे नतज को जो अभी तक आ चुके हैं? कौन सा, एक सेकेंड, वोट का है फॉर्म 45 सबके हाथ में, कैंडिडेट्स के पास है, इतना बड़ा मजाक तो नहीं हो सकता ना। वो बिल्कुल, वो 180 सीटें तो कन्फर्म्ड हैं जिसकी फॉर्म 45 कैंडिडेट्स के हाथ में है, तो आप उसको कैसे डिनाई कर सकते हैं? हुकूमत ने स्टैम्प करके दिया है, तो अब हुकूमत में जो लोग बैठे हैं या इलेक्शन कमीशन, अपने ही लोगों की स्टैम्प को डिनाई करेगी? पहले तो वो खुद अपने आप को सॉर्ट आउट कर लें। मतलब आप कहना ये चाह रही हैं कि 180 आपके मुताबिक सीटें जो है वो आप, हमारे मुताबिक नहीं, ये कैंडिडेट्स के, सुन लें, कैंडिडेट्स के हाथ में फॉर्म 45 उनके हाथ में है सारे। मैं कह रही हूँ फॉर्म 45 हुकूमत के दिए हुए स्टैम्प्ड पेपर्स उनके हाथ में। अब इलेक्शन कमीशन को ये कह रहे हैं कि मेरा जो ये वाला दफ्तर है, एक सेकेंड, जब वो ये कह रहे हैं कि ये जो मेरे फॉर्म 45 जिन्होंने स्टैम्प किया इलेक्शन कमीशन के लोगों ने, वो फॉर्म 47 वाले नहीं मान रहे, यही हो रहा है ना। ये तो इलेक्शन कमीशन का इंटरनल झगड़ा पड़ गया, अब उनका पहले वो सॉर्ट आउट कर लें। अच्छा मैम, लेट्स डिस्कस ए आइडियल केस सिनेरियो कि अगर आपकी जैसे 180 सीट्स आप बोल रही हैं, अगर ये तो मैं नहीं बोल रही, फॉर्म 45 बोल रहा है, रिजल्ट एक्चुअल रिजल्ट है, अगर आप फॉर्म 47 की आ जाए, पीटीआई ने इमरान खान का ये खास तोहफा है, उनको ये मुबारक हो कि आज उन्होंने जो मांगा था पाकिस्तानियों ने 2/3 उनको अक्सरियत दे दी है। मेरा सवाल आपसे सिर्फ ये है कि अगर किसी भी तरह से कोई मुआवजा हो जाए और फॉर्म 45 से फॉर्म 47 पे भी आप लोगों की सीट जो है वो 180 से ऊपर जाती है। मेरी सीट नहीं है, एक सेकंड, एक सेकंड, इमरान खान की सीट, आप वो भी इमरान खान की, जो हमने जुल्म का बदला वोट से लिया, उनकी सीटें हैं, ये उनकी सीटें हैं। ना 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 ना, आप फिर से समझ लें, आप देखें, आप पुराने जमाने की बातें कर रहे हैं, आप अभी मॉडर्न दुनिया में आए नहीं है, आप डेमोक्रेसी को नहीं समझे। ये जो वोट है ये लोगों का वोट है,
ये किसी कैंडिडेट का वोट नहीं है, ये लोगों का वोट है। इमरान खान का भी वोट नहीं है, मेरा वोट हुकूमत का काम है, मेरे वोट का तहफ़ करे, इलेक्शन कमीशन का काम है। और ये आप कहते हैं ना कि किसकी सीटें किसकी पार्टी, आप नए ज़माने में आ जाएं, जो प्रोग्रेसिव दुनिया, वो जो वोट होता है वो हर इंसान का अपना होता है, और आपका काम है कैंडिडेट का उसको हिफाजत दे।